हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हैं. और आपको पता ही है मैं गांव में हूँ, और आज की नई खास बात यह है कि आज अनायत का बर्थडे है और 5 साल की हो गया अनायत. तो मैं मम्मी प्रिंस तो अभी मंदिर जा रहे हैं, इसका थोड़ा पूजन करवाएंगे क्योंकि साल में एक बार ही करना होता है. तो प्रिंस अभी अपने लिए प्रेस कर रहे हैं, तो मम्मी भी तैयार हो रहे हैं और शायद पापा तो शायद नहीं आएंगे. पापा भी आ रहे हैं. पापा भी आ रहे हैं, तो फिर पापा के सामने थोड़ा व्लॉग करते हुए शर्म आती है मेरे को. तो चलो, क्या बोलते हैं, बताते हैं आपको, पहले रेडी रहते हैं. और आज मैंने पेटीकोट पहना है, अभी मैं पहले पूरी रेडी होती हूँ, फिर प्रिंस को बोलूँगी, फिर पुफ मेरा कैमरा पकड़ेंगे हम मंदिर के लिए. और देखो, मैंने आज पेटीकोट पहना है क्योंकि शिमला में तो पहन नहीं सकते, और इतने सारे पड़े हैं शादियों के भी, तो मैंने आज पेटीकोट पहना है. और मम्मी ने भी पेटीकोट पहना है, वो अभी ऊपर को चले गए हैं, तो हम गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको दिखाते हैं. और अनाइत तो अभी जीन में है क्योंकि यहाँ ना रात भर बहुत बारिश हुई है, सुबह भी तो ठंड है, तो इसको मैंने इसको शॉर्ट्स वगैरह लाई थी, फ्रॉक वगैरह, तो अभी पहनाई नहीं क्योंकि ठंड है, शाम को पहनेगी ये. बैटरी अब गाड़ी में कहाँ गई? पेटीकोट में तो चलना और वो भी नहीं आता है, हमारे को आदत नहीं है ना. और यहाँ ननखरी में तो मतलब घर पे भी पहनती है रेष्टा, पेटीकोट जो भी है घर में भी पहनते हैं. मम्मी तो सर्दियों में भी पहनते हैं घर में, हम लोग को तो संभालना ही नहीं आता है. ये है जी प्रिंस, हेलो तो बोलो. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हेलो बोलो. गुड मॉर्निंग. अनायत को बहुत सारी विशेस देना, इसका हैप्पी बर्थडे है प्रिंसेस का. पापा मम्मी यहाँ वेट कर रहे हैं हमारा, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है ना ऊपर को आ गई है, इसलिए पापा की गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा हिलती डुलती रहती है. ना दादू बैठेंगे आगे की दादी, कौन बैठेगा नायत आगे? दादी को बिठाओ फिर आगे. पापा बोले दादी बैठेगी आगे, बोलो दादी बैठेगी आगे. दादी दादी मम्मी आपको बुला रही है आगे, पता नहीं. दादू बैठेंगे. दादी चुपचाप से बैठी हो, मैं शरारती नहीं कर रही हो. ये बोल रही है दादू तो बहुत बार बैठ गए, दादी को उठाओगे? अब शरारत नहीं करी बेटे, वहां पे चुप बैठना है ना, बैठो. निकाल निकाल. नमस्ते मासी. किधर है? नमस्ते यार भाई. नायत नमस्ते कर. नमस्ते कर, जन्मदिन कर बेटे. नमस्ते कर. और मां सज गई है, अनायत नमस्ते कर. थैंक यू बोले. क्या हुआ? बढ़िया है, बोलो ठीक है. ये देखो आप ननखरी का ग्राउंड, कितना बड़ा ग्राउंड है ननखरी का. आई लव ननखरी लिखा है यहाँ पे. आज मैं ननखरी को एक्सप्लोर कर रही हूँ, बारिश से थोड़ा गीला हुआ है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये. और अब चले हैं हम आगे की तरफ, मुझे नहीं पता कहाँ, पर ये सब ननखरी है. यहाँ देखो क्या क्या है ननखरी में, बहुत कुछ है. तो ये हमारा ननखरी. ये देखो हमारा ननखरी का स्कूल, ये देखो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कितना बड़ा स्कूल है. अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं. ये ननखरी बाजार है इस तरफ. अनायत अभी पूजन होना है आपका, है ना? ठीक है, जब कैमरा ऑन करते तब तो श्री बन जाती है ये. अनायत तू भूख लगी? आज अनायत का व्रत है, रोज व्रत है इसका, बर्थडे के दिन तो व्रत रख सकती है. मम्मी ने अभी पेटीकोट पहना है. नहीं तो आपने क्यों नहीं पहना दादी की तरह घाघरा? इसके पास भी था घाघरा. आपने क्यों नहीं पहना दादी? आपको पहनना है ऐसा ऐसा, आपको बनाएंगे ठीक है. हाँ बोलो. पंडित जी का वेट कर रहे हैं मंदिर में, अभी आए नहीं है पंडित जी. अनायत डांस कर रही है. नागिन डांस कर रही है, दिखा बर्थडे में. दिखाते दिखाते
अनायत बोल रही है कि मैं इसकी पीठ के ऊपर चढ़ू। पता, अगर आप जाओगे ना तब आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पापा पूजन का सामान लेने गए थे, तो पापा आ गए हैं पूजा का सामान लेके। बहुत टाइम लग गया लाने में, तो बस अब हम पूजा करेंगे मंदिर में। तो चलते हैं अब अनायत की पूजा शुरू, और थोड़े लेट भी हो गए हम लोग। छांट लेना है अपना केक, अंदर अंदर करो फिर अंदर। देख तो जरा बेटा, केक है ही नहीं है, है। देख लो, देख कितना अच्छा केक है यहाँ, है ना? पिंक कलर का, पिंक कलर का भी है। हाँ, ये क्यों नीचे? हाँ दे रहे हैं, ये सब देंगे आपको। और जो हमने यहाँ बर्गर और हमने मोमोज वगैरह भी खाए हैं, तो मतलब बिल्कुल ही शिमला में मिलते हैं ना सेम मोमोज वगैरह, बिल्कुल सेम टेस्ट वैसा ही था। पेस्ट्री का, केक का, हर एक चीज़ बहुत बढ़िया थी। देखो कितना अच्छा सामान था यार, मतलब शहर शिमला में मिलता है ऐसा सामान। देखो तो बहुत ही बढ़िया। फिनिश करना इसको खा के, ठीक है? इसकी ये इसका केक ले लिया हमने, केक वगैरह तो ले लिया है, पर इसका बर्थडे हम ऐसे ही बना रहे हैं इस बार, क्योंकि थक चुके हैं इसका बर्थडे बना बना के 5 साल से। तो बस केक ही काटेंगे हम, बस 4 जने, है ना नायत? हाँ, क्या मम्मी? हमारे को यार ऋषभ मिल गया है। क्या हाल है ऋषभ? नमस्ते जी। कौन है? नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते। ऋषभ किधर? मैं इधर आई हूँ ना ननकरी, पिंक दीदी के ऑफिस, पिंक दीदी को भी दिखाती हूँ। हेलो जी, सरप्राइज, कैसे हो? ये पिंकी दीदी है, आप वैसे जानते हो इनको, बहुत बार मेरे व्लॉग में आए हैं। और बढ़िया, यहाँ है आपका ऑफिस? और ठीक है आप? आज प्रिंस बोरा, चल पिंक दीदी से मिलने जाते हैं। हम हो गए 3-4 दिन। हाँ, आज अनायत का बर्थडे, पता है आपको? गाड़ी में मम्मी और अनायत ना मंदिर आए थे हम। हेलो तो बोलो मेरे सब व्यूअर्स को। और बेटी ठीक है? ये आपके साथ? अच्छा 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 अच्छा, बेटा बेटा तो नहीं लग रहा, बेटा तो नहीं। अच्छा, पिंग दीदी मम्मी से मिलने आ गए है। हाँ बहुत पतली हुई है अनायत। बुआ आई है, बुआ पिंकी, बुआ ना नहीं खिलाती नहीं। प्रिंस भूखे भूखे, सही बात है, पूरा खानदान पतला करवा। मम्मी मम्मी कैसे है? सुनो, हम शिमला वाले डाइटिंग में होते हैं। नहीं ऐसे बोलो बोलो, खाना नहीं खाती मैं, बोलो। नहीं बोलती, क्यों नहीं खाती बेटी खाना? ये ऐसे बोले, ए देखो ऐसा खाती है, सच में ही नहीं खाती खाना यार। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। पहुंच गए हम लोग जी वापस घर, और अब लंच वगैरह करेंगे और फिर अनायत की थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। कर दिया हमने कपड़े कपड़े चेंज, और अनायत ने आते ही देखो क्या कर लिया है इसने, मेरा पूरा चूड़ा निकाल दिया है। आपने इससे सब निकाल दिया चूड़ा यार बिट्टू। चलो चलो खाना खाने चलो फटाफट से, चलो चलो खाना खाना, फिर हमने ऊपर डेकोरेशन भी करनी है थोड़ी सी। चलो चलो चलो, मैं अभी इन लोगों को चाय देने आई हूँ। ये लोग अभी चाय पी रहे हैं,
अभी तो इन लोगों के बहुत है करने को, इधर देखो पत्थर ही पत्थर फेंके हुए, क्योंकि यहाँ से ना गिर गया था नीचे डंगा। तो डिनर वगैरह बना दिया है सब कुछ, और अनायत की भी थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी। अब हम थोड़े खेत के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसे ही जा रहे हैं खेत की तरफ। हमने थोड़े पलम भी लाने थे, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है ब्लैक एम्बर, ये देखो। अभी ये तैयार नहीं हुए ना प्रिंस? नहीं, अभी ये तैयार नहीं हुए है, ये बिल्कुल ब्लैक होएंगे। फिर मेरे को पलम खाने में तो लाए हुए थे पलम, पर वो ख़त्म हो गए थे, तो मेरे को ताज़े ताज़े खाने थे, तो बस पलम लेके आते हैं खाने के लिए। मैंने आपको बताया था ना प्लम्स काफ़ी वैराइटीज़ है, अभी दो वैराइटी तो हमने तोड़ दी है, एक वो रेड ब्यूट और एक और, क्योंकि उस टाइम तो मैं शिमला में ही थी। ये देखो, ये है फ्रायर, ये तो अभी टाइम लगेगा इसमें, है ना? ये कब आएगा? एक महीने के बाद आएगा ये फ्रायर। ये देखो आप, अभी सेब का साइज इतना ही हुआ है, इतना हुआ है अभी सेब का साइज, क्या करें। हाँ, थोड़ा खराब जैसा हो रहा है सेब, सेब तो अभी छोटे छोटे हैं, सेब का तो कुछ नहीं कर सकते। यार और पेड़ भी बहुत सूख रहे हैं बिल्कुल। हाँ यार, पता नहीं क्या बीमारी लग गई है ना। चलो चलो आगे, सेब का साइज तो भी इतना बना है। ये देखो पेड़ कैसे सूख रहे हैं, ये देखो बिल्कुल ठीक पेड़ था, और इसमें देखो क्या कैसे हो गए यार, बिना बारिश से कैसे सूख रहे हैं, और साइज भी नहीं बन रहा ऐसे। तो यहाँ पे हमारा शेड होता है, यहाँ हमारी लेबर रहती है, जो कि अभी है नहीं है यहाँ पे, वो ऊपर लगी है घर के पास काम करने, यह इनका वॉशरूम है। तो ऐसा ही है जी। ये मैंने आपको दिखाना था गाला, नहीं नहीं ग्रैनी समिथ, सबसे खट्टा सेब। यार मैं तो इन वाले प्लम को खाने आई थी, ये सेंटोजा, पर ये अभी रेडी ही नहीं हुए, कच्चे है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आने का। तो जी अब अनायत तो अभी घूमने गई है, तो हम उसकी थोड़ी डेकोरेशन कर रहे हैं। पापा कैमरा देख रहे हैं, कैमरा सेट कर रहे थे, तो बस डेकोरेशन कर रहे हैं थोड़ी। बस हमने यही किए, थोड़े से बैलून लगा लिए, अनायत का केक था। तो जी बस ये देखो हमारी फ़ोटोज़, इसमें हमने सबकी फ़ोटोज़ लगाई हुई है, ये देखो फ़ोटो फ़ोटो, ये मम्मी पापा है, ये हम सब है, ढंग से नहीं दिख रहा होगा आपको। बेटा 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 आज कौन है? इसको कटो आगे ले जाओ। अमानत जल्दी खाओ। क्या कर रहे हो? बर्थडे पार्टी, हमारा बर्थडे आज सिर्फ 4-5 लोगों का ही था। इस बार किसी को भी नहीं बुलाया, इस बार किसी को नहीं बुलाया, क्या करना। और अभी तक जो 3-4 साल से ना मतलब बहुत अच्छी तरह से बना रहे थे, और मैं ना उसको बोल रही थी कि अब अनायत बड़ी हो गई है, समझती भी है ना, हमें अब बनाने चाहिए थे। हम 5 साल तक इसका बर्थडे अच्छा मनाते रहे, मतलब डीजे वगैरह लगा के, और अनायत को तो याद भी नहीं है, समझ भी नहीं है इस चीज की। चलो अब आगे देखेंगे अगले साल। हाँ, तो बस थोड़ा केक बचा है मेरे, ये मेरे व्यूअर्स के लिए केक। हाँ।
वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड शाबाश वेरी गुड अमाना देखो नाच कर रही है। वेरी गुड शाबाश बेटे नाचो नाचो। तो जी अब अनायत का बर्थडे हो गया है, सब कुछ सेलिब्रेट और सो भी गई है। और उसने तो कुछ जिद भी नहीं की, मैं सोच रही थी वो जिद करेगी कि ऐसा वाला क्यों नहीं हो रहा मेरा बर्थडे, या कैप्स क्यों नहीं है मेरे सर पे, मेरे फ्रेंड्स क्यों नहीं है, ऐसे कोई भी उसने तंग नहीं किया है। और अगर शिमला में होते तो शायद कर सकती थी। तो बस अपना व्लॉग भी मैं आज यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। और यार थोड़ा गलत हो जाता है बोलते हुए तो अपना व्लॉग भी यहीं एंड करती हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो बाय बाय, गुड नाइट।